नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के समय। मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस। तीन दिन बाद भी लड़के का शव न मिलने पर लगाया जाम। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी करेगी करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव। दिव्यांग बच्चे व उनके शिक्षक व अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित। मंडल आयुक्त ने कल्याणकारी नीतियों की अधिकारियों के साथ की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। सेल्फी लेने के प्रयास में नहर में गिरे बच्चे का शव तीन दिन बाद भी न मिलने पर नाराज क्षेत्रवासियों ने ओशाम बाईपास पर जाम लगा दिया। वहीं एनडीआरएफ की टीम नहर में करीबन 10 किलोमीटर तक किशोर की तलाश कर चुकी है, लेकिन 16 वर्षीय अतुल का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चे की तलाश जारी है। आपको बता दें कि शास्त्री नगर निवासी 16 वर्षीय अतुल कक्षा 12वीं का विद्यार्थी है और उसके पिता सतवीर सिंह सीआरपीएफ में फिलहाल ड्यूटी पर हैं। इस बारे में जाम स्थल पर उपस्थित अधिवक्ता हरि सिंह सांगवान ने बताया कि अतुल का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों से लड़के को ढूंढने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। सिंचाई विभाग में एसडीओ दलवीर शर्मा ने बताया कि फिलहाल नहर में पानी कम करवा दिया गया है। प्रयास है कि जल्द से जल्द इस नहर का पानी दूसरी नहर में डाइवर्ट करके बच्चे की तलाश की जाएगी। हमारी मांग ये है कि बजीना गांव का लड़का परसों तीन दिन से जूही नहर के अंदर डूब गया है और यहाँ पर तीन दिन होए ना डीसी टेलीफोन उठा रहा, ना कोई मतलब प्रशासन एससी साहब को भी टेलीफोन कर दिए, मैडम किरण चौधरी ने भी एसपी को डीसी को सबको कह दिया नहर का पानी बंद करो और जो लड़का है उसकी डेड बॉडी है उसको फाइंड आउट कराओ, और इसलिए कोई काम नहीं हो रहा तो रास्ता जाम कर दिया। पूरे गांव ने 1000 आदमी रास्ता जाम में बैठे हुए हैं और 2 किलोमीटर लंबा जाम है, लेकिन प्रशासन की जूं तक नहीं रूंग रही। इससे बड़ा और अत्याचार क्या हो सकता प्रजातंत्र को। क्या मांग करते हो? हमारी मांग यही है कि जूही नहर का पानी बंद करके लड़के की डेड बॉडी को फाइंड आउट कराया जाए। दो दिन तीन दिन से यही लगातार बात चल रही है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, ना जूही कनाल का पानी कम हो रहा, न कोई तलाशी हो रही, न कोई कहानी हो रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सत्यवीर सिंह, वर्तमान में मैं कार्यरत सीआरपीएफ में 108 बटालियन आरएफ में मेरठ में। मेरे बच्चे का नाम अतुल कुमार था, जिनको दिनांक 4/2/2024 को जूही नहर में घेर दिया गया कुछ अज्ञात लड़कों द्वारा, और आज तीन दिन बीत चुके हैं, उनकी डेड बॉडी हमारे को नहीं मिली है। इसके लिए मेरा पूरा गांव परेशान है और प्रशासन की तरफ से हमारे को झूठा आश्वासन मिलता है। धन्यवाद। क्या मांग करते हो? मेरा नाम गांव बजीना छोटे लाल सरपंच। हमारी मांग ये है भाई, 72 घंटे हो गए अब तक लाश नहीं मिल रही, पानी की और ज्यादा हो जाओ, पानी तो कोई मतलब अमीन तो लाश ही हमारे तक झूठा आश्वासन दुआ जा रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारी मांग एक ही है कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक पूरा गांव के 1000 से ऊपर आदमी बैठे हैं, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। प्रशासन को बार बार कह चुके हैं लेकिन प्रशासन तस्मस नहीं करे। मैं सिंचाई विभाग में एसटी हूँ, रघुवीर शर्मा नाम है मेरा। तो पानी जो हमने कल भी पीछे जो हेड से है वहाँ कम करवाया था, जो नहरें एक दो बंद थी या कम चल रही थी उनको भी पूरा चला दिया है, और पीछे से पानी है अब काफ़ी डाउन हो गया। मतलब कल 874 क्यूसिक पानी जो है नहर में चल रहा था, आज करीब करीब 450 पानी अब मौके का रह गया, वहाँ आधे से ज़्यादा पानी कम हो गया। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो पानी है अपने दूसरी नहरों में डाइवर्ट करके इस नहर में जो अपने जूही फीडर में पानी है वो कम करवाएं और इनको ट्रेस आउट करवाने पूरी मदद लगी हुई है। 3 फरवरी की बात है कि 5 बच्चे
अपने घर से घूमते घूमते डाबर कॉलोनी के रहने वाले थे, तो जूही फीडर के पास ये पक्के ट्रक के ऊपर घूम रहे थे, तो अचानक एक लड़का सेल्फी लेने के लिए, जैसे ही वो पानी के पास किनारे पे गया तो उसका पाँव रिपट गया और जिसमें वो नहर में डूब गया। तो उसी दिन से लेकर अब तक जो है वो तलाश की जा रही है, NDRF की टीम भी बुलाई गई है, 10 किलोमीटर आगे जो है वो जाल है, अभी तक उस जाल तक बॉडी जो है वो पहुंच नहीं पाई। 10 किलोमीटर पीछे का जो इलाका है, जो फीडर 10 फुट गहरा पानी इसमें होता है, 10 फुट 11 फुट साढ़े छः क्यूसिक पानी जो है इसमें पीछे से डलता है और 65 किलोमीटर पीछे से पानी चल रहा है। इरीगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी हमने मिल के काफ़ी जो है वह प्रयास किया है कि पानी को किसी और अल्टरनेट इसका ढूंढ के तो उसमें डाल के पानी कम कर दिया जाए। और ये 10 किलोमीटर में 2 टीमें NDRF की अलोंग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मिला के 5-5 किलोमीटर के 2 भाग बना के इनको एक बार सर्च कर चुके हैं, दोबारा फिर की जा रही है क्योंकि काफ़ी सारे से इसमें कनेक्टेड है। आम आदमी पार्टी युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के करनाल आवास का घेराव करेगी। पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शोरान लाखलान ने बताया कि बेरोजगारी के कारण प्रदेश का युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। सरकार कौशल विकास रोजगार के नाम पर युवाओं को बरगला रही है। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शोरान लाखलान ने कहा कि भाजपा सरकार में आज प्रदेश का हर युवा बेरोजगारी के कारण त्रस्त है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि हर घर में माँ बाप काफी परेशान है। रोजगार न मिलने से युवा अवैध रूप से विदेशों में पलायन करने को मजबूर है, जहां पर युवा अपनी जान तक गंवा देते हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, जिन पर हरियाणा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यदि सरकार इन पदों को भरे तो समस्या हल हो सकती है। आज ये जो PC रखी गई है 7 फरवरी को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है हरियाणा का युवा। युवाओं को नौकरी देने की बजाय भ्रष्टाचार में डूबी हुई है खट्टर सरकार। युवाओं के साथ मिलकर के 7 फरवरी को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। कौशल विकास के नाम पर प्रदेश के युवाओं को बरगला रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण का वादा जुमला साबित हुआ, झूठा साबित हुआ। भाजपा सरकार में आज प्रदेश का हर युवा सड़कों पर है और बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन में है, तनाव में है। बेरोजगारी के कारण युवा नशे और डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। दिव्यांग बच्चों, उनके शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए खंड स्तर पर 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को परीक्षा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए। समग्र शिक्षा विभाग के द्वारा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। DPC सुमिता यादव ने बताया कि यह कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों व उनके शिक्षक और अभिभावकों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 71 बच्चों ने भाग लिया। प्राचार्य सविता घनकस ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों का परीक्षा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समग्र शिक्षा असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा भिवानी से हूँ। आज जो ये अवेयरनेस कैंप पेरेंट्स का और जनरल टीचर का दिव्यांग बच्चों के लिए और ब्लॉक भिवानी ने आईड सेंटर है ये हमारा, इस पर चलाया हुआ है और उसके मॉनिटरिंग के लिए मैं आई हूँ। यहाँ हमने पेरेंट्स को और जनरल टीचर्स को, कुछ दिव्यांग बच्चे भी साथ में आए हैं, उनके अंदर एक अवेयरनेस जगानी है कि जितनी भी दिव्यांग बच्चों के लिए जो सुविधाएं सरकार ने मुहैया की हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कि भी इनको कुछ एड्स एंड अप्लाइंसेज इनको दिए जाते हैं, इनके लिए अभी एक प्रशस्त ऐप भी दिया गया है
जिसकी जानकारी प्रत्येक जनरल टीचर को और स्पेशल टीचर को ज़रूर होनी चाहिए, ताकि बच्चे की स्क्रीनिंग हो सके, ताकि ऐसा ना हो कि भी बच्चा स्कूल में है, हमारे स्कूल में दिव्यांग बच्चा है और हमको मालूम नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस ऐप के ज़रिए से सभी बच्चों की स्क्रीनिंग हो सकेगी, उनकी आवश्यकताएं क्या रहेंगी, उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाए कि वो सामान्य बच्चों के साथ और मुख्य धारा में शामिल रह सके। रोहतक मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने सरकार द्वारा शुरू की गई जनहितैषी नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों की समीक्षा जिला अधिकारियों के साथ की। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। रोहतक मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम की रोकथाम, जागरूकता, नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने, रेवेन्यू कोर्ट केसों के समयबद्ध तरीके से निपटान, चिन्हित अपराधों की मजबूती से पैरवी करना, मुख्यमंत्री घोषणाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना व अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। आयुक्त ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र नागरिकों तक पहुंचे, ताकि जरूरतमंद लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। डीसी नरेश नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर शिविरों को आयोजित कर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाती है। डीसी ने बताया कि जिलों में 80% मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। जिले में TDS सिस्टम के माध्यम से राशन वितरण किया जाता है। निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं का संबंधित अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। और अब एक खबर चलते चलते। डिजिटलाइजेशन के तेजी से बढ़ते चलन से जहां जीवन में बदलाव आया है, वहीं साइबर क्राइम भी बढ़ा है। पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार चेताए जाने के बाद भी लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठग ऑनलाइन दोस्त बनकर लोगों से पैसे हड़प रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि साइबर ठगी के शिकार तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीन दिन बाद भी लड़के का शव न मिलने पर लगाया जाम। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी करेगी करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव। दिव्यांग बच्चे व उनके शिक्षक व अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित। मंडल आयुक्त ने कल्याणकारी नीतियों की अधिकारियों के साथ की समीक्षा। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।